हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल कम ऑन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है इकोलॉजिकल सक्सेशन। सक्सेशन मतलब एक सिलसिला जो इकोलॉजिकली वो होता है, उस चीज़ को हम देखेंगे। उससे पहले मैं बता दूं, मेरे चैनल कम ऑन क्लासेस को सब्सक्राइब करें विद बेल आइकॉन, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अब हम आज के स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक इकोलॉजिकल सक्सेशन। पहले हम जानते हैं इसके बारे में, थोड़ी बातें जान लें। सबसे पहले तो देख लेते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है। तो डेवलपमेंट ऑफ प्लांट कम्युनिटी ऑन बैरन एरिया इज कॉल्ड द इकोलॉजिकल सक्सेशन और बायोटिक सक्सेशन। क्या मतलब हुआ डेवलपमेंट? मतलब जो डेवलपमेंट हो रहा है प्लांट कम्युनिटी का बैरन एरिया से। बैरन एरिया मतलब जो यानी कि बंजर एरिया है, जहाँ पे कोई भी पेड़ या कोई भी वहाँ पे जीव नहीं है, मतलब कोई भी वहाँ पे लिविंग बींग्स या लिविंग पेड़ वहाँ पे नहीं है, तो यही बंजर एरिया को कहते हैं बैरन एरिया। तो बैरन एरिया में कोई यानी कि प्लांट कम्युनिटी का डेवलप्ड हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है कम्युनिटी का, तो इसको कॉल इकोलॉजिकल सक्सेशन और बायोटिक सक्सेशन। द रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग कम्युनिटी बाय न्यू वन इन एन ऑर्डरली सीक्वेंस इन बैरन एरिया विद द टाइम ड्यू टू चेंज इन एनवायरमेंटल कंडीशन। इसका मतलब क्या हुआ कि रिप्लेसमेंट क्या चीज़ का हो रहा है वहाँ बैरन एरिया में, जो वहाँ बैरन एरिया है वहाँ पहले कुछ नहीं है, फिर वहाँ पे एक क्लाइमेक्स, फिर वहाँ पे एक यानी कि एक अच्छे एक एनवायरनमेंट का वहाँ पे यानी कि डेवलपमेंट हो रहा है टाइम के साथ। हमारे जो एनवायरनमेंटल चेंज हो रहे हैं, एनवायरनमेंटल कंडीशन है उसका चेंज होने के साथ एक ऑर्डरली सीक्वेंस में हो रहा है, एक सीक्वेंस में हो रहा है, एक ऑर्डरली सीक्वेंस में हो रहा है। इन बैरन एरिया से फिर आपको एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी तक जा रहा है, तो ये जो हो गया है पूरा इकोलॉजिकल सक्सेशन हो गया। तो उससे पहले हम कुछ टर्म को जान लेते हैं कि जैसे पायोनियर कम्युनिटी क्या होता है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या होता है, सेल कम्युनिटी क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पायोनियर कम्युनिटी क्या होता है। जो सबसे पहला जो यहाँ इनहैबिटेड होता है किसी एरिया में, सबसे पहला जो बीज कहीं जा रहा है, सबसे पहला जो कोई बीज लग रहा है, तो वो जो होता है पायोनियर कम्युनिटी होता है, शुरुआती जो होता है। उसके बाद एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी, क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो होता है जो सबसे लास्ट और सबसे अंतिम वाला जो कम्युनिटी होता है उसे हम कहते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी। और जो काफ़ी स्टेबल कम्युनिटी होता है वो स्टेबल कम्युनिटी होता है, इसलिए वहाँ पे स्टेबल कम्युनिटी भी कहते हैं, उसको क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहते हैं। तो अब जो तीसरा है वो सक्सेशन, जो उस दोनों क्लाइमेक्स और पायोनियर कम्युनिटी के बीच में जो वो ऑर्डरली सीक्वेंस से चला आ रहा है, जो यानी कि ऑर्डरली सीक्वेंस जा रहा है उसका जो ट्रांजिशनल पीरियड है, तो उसे हम कहते हैं सिरल कम्युनिटी। ये तीन जो है इंपॉर्टेंट है, तीन शब्दों को समझने के बाद ही हम इकोलॉजिकल सक्सेशन को समझ सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि सैरे क्या है। जो इंटायर सीरीज ऑफ कम्युनिटीज कॉल सैरे, जो इंटायर जो तुम्हारा कम्युनिटी हुआ, चाहे यानी कि पायोनियर प्लस क्लाइमेक्स प्लस सिरल कम्युनिटी, तीनों को मिला के जो बना वो सैरे हो गया, तो उसे सैरे कहते हैं। तो हम देखते हैं बहुत तरह के जो सैरे होते हैं, जैसे कि आपके जैसे सक्सेशन ऑफ फ्रेश वाटर हो गया तो उसे हाइड्रो सैरे कहते हैं, सक्सेशन ऑफ साल्टी वाटर हो गया तो उसे हैलो सैरे कहते हैं, सक्सेशन ऑफ एसिडिक वाटर हो गया तो उसे ऑक्सैलो सैरे कहते हैं, सक्सेशन ऑफ ड्राई रीजन हो गया तो उसे जेरो सैरे कहते हैं, जैसे सक्सेशन ऑफ रॉक हो गया तो लिथो सैरे कहते हैं, सक्सेशन ऑफ जैसे क्या बोलते हैं वही माइक्रोब्स या डिकम्पोजर मैटर में हो गया तो उसे सिरुला कहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो यानी कि ये सब इससे क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि जैसे ड्राई रीजन में कोई सक्सेशन हो रहा है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे जीरो सैरे कहते हैं, तो और जैसे वाटर में हो रहा है तो उसे क्या कहते हैं, तो हाइड्रो सैरे कहते हैं। तो ये सब सारे जो है टर्म्स हैं, इसे याद रखिएगा। तो अब हम देखते हैं कि इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसका क्या गुण है सक्सेशनल, जो आपका जो सक्सेशन हो रहा है उसका क्या गुण है, इसका क्या यानी इंपॉर्टेंस है एक तरह से। तो हम देखते हैं ये क्या है। तो देखिए ग्रैंडुअल रिप्लेसमेंट फ्रॉम शॉर्ट लाइफ टू लॉन्ग लाइफ प्लांट, इसका एक ग्रैंडुअल रिप्लेसमेंट हो रहा है शॉर्ट लाइफ जो प्लांट है वो उसका लॉन्ग लाइफ प्लांट से, क्लाइमेक्स यानी स्टेबल जो कम्युनिटी है उसमें, जो अनस्टेबल से स्टेबल की ओर जा रहा है ग्रैंडुअली, तो उसे हम कह रहे हैं वहाँ पे इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इंक्रीज स्पीसीज डाइवर्सिटी, जो स्पीसीज डाइवर्सिटी है उसका इंक्रीजमेंट हो रहा है, बायोमास का इंक्रीजमेंट हो रहा है, नीच
रिच स्पेशलाइजेशन हो रहा है, ह्यूमस कंटेंट जो उसका बढ़ते जा रहा है, पहले मॉसेस है, फिर मॉसेस जाके आगे छोटा पेड़ बन रहा है, हर्ब्स बन रहे हैं, फिर सब्स बन रहे हैं, फिर प्लांट बन रहे हैं, तो उसका बायोमास भी इंक्रीज होते जा रहा है, उसका नीच जो स्पेशलाइज हो जा रहा है, जैसे मॉसेस है, फिर वहाँ पर जाके आपके वहाँ पर मर्शी लैंड हो गया या फिर क्लाइमेक्स या फॉरेस्ट का हो गया, तो एक तरह से नीच स्पेशलाइजेशन हो रहा है, ह्यूमस कंटेंट का भी जो है इंक्रीजमेंट हो रहा है, तो ये सब चीज़ है। तीसरा जो है, फ्यूचर सेरल कम्युनिटी कैन बी प्रिडिक्टेड एज द डायरेक्शनल प्रोसेस, जो डायरेक्शनल प्रोसेस से जा रहा है, तो ये जो हो गया कम्युनिटी का जो डायरेक्शनल प्रोसेस जा रही है, तो ये सब जो जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये इकोलॉजिकल सक्सेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो हम देखते हैं कॉज, सक्सेशन के जो कॉजेज हैं वो क्या, कि किस कारण ये सक्सेशन होता है, तो इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे बायोटिक फैक्टर हैं, फिजियोग्राफिक फैक्टर्स हैं, इसको हम देखते हैं। तो पहला है बायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर मतलब क्या हो गया, जो किसके बीच एक्शन हो रहा है, सेरल कम्युनिटी में जो इंट्रैक्शन हो रहा है इन्वायरमेंटल के साथ, इन्वायरमेंट के साथ जो इंट्रैक्शन हो रहा है उसके, यानी कि जो यानी कि फेवरेबल कंडीशन मेक कर रहा है या कम फेवरेबल कंडीशन है या मोर फेवरेबल कंडीशन है, तो उस सबको जो नेक्स्ट सेरल कम्युनिटी में जाना है, उस सब का जो सक्सेशन हो रहा है, बायोटिक फैक्टर जो है वो एक है जो इफेक्ट कर रहा है, तो उसके कारण वो आपका सक्सेशन है, तो वो जो हो गया बायोटिक फैक्टर हो गया। दूसरा जो है फिजियोग्राफिक फैक्टर, तो इसमें क्या आता है, फिजियोग्राफिक फैक्टर में आपके क्लाइमेट आते हैं, जो अदर फिजिकल फैक्टर्स जैसे सॉइल इरोशन हो गया, सॉइल डिपोजिशन हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, वॉल्केनिक लावा हो गया, तो ये सब हो गया फिजियोग्राफिक, जो फिजियोग्राफिक फैक्टर हो गया वो हो गया। तो ये सब और जितने भी फैक्टर हैं वो एक एरिया जो बैरन एरिया बनाते हैं, तो बैरन एरिया जो वहाँ पे बंजर एरिया है, उसके बाद जो सक्सेशन होता है उसी कारण होता है। तो बैरन एरिया सक्सेशन के लिए बैरन एरिया बहुत ज़रूरी है, बैरन एरिया से ही स्टार्ट होकर जो क्लाइमेक्स, जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी बनाती है, तो स्टार्ट जो उसका पायोनियर कम्युनिटी का स्टार्ट जो होता है वो बैरन एरिया में ही होता है, वहीं से स्टार्ट होता है। तो ये दो जो फैक्टर है जिसको कॉज करते हैं सक्सेशन। तो हम देखते हैं कि सक्सेशन कितने तरह के होते हैं। सक्सेशन मेनली जो है दो तरह के होते हैं, एक प्राइमरी सक्सेशन कहते हैं और सेकेंडरी सक्सेशन कहते हैं। तो पहले हम देखते हैं प्राइमरी सक्सेशन कैसे कहते हैं। तो प्राइमरी सक्सेशन जो होता है वो जो क्या होता है, वो एक ऐसा बैरन एरिया होता है जहाँ पे कभी भी कोई लिविंग मैटर नहीं है, कभी भी वहाँ पे कोई यानी कि कोई भी ऐसा यानी कम्युनिटी नहीं विकसित हुआ है जो लिविंग हो, यानी कि प्रीवियसली यानी कि पहले कभी भी 100 वर्ष में वहाँ पे मतलब यानी कि कभी वहाँ पे नहीं, जैसे कि जैसे वॉल्केनिक लावा एरिया हो या इग्नियस रॉक एरिया हो, यानी कोई भी ऐसा एरिया हो जहाँ पे यानी कि कभी वहाँ पे यानी कि आपका यानी कि सक्सेशन नहीं हुआ, कोई भी प्लांट कम्युनिटी नहीं हुआ, बैरन एरिया है, मतलब क्या कह सकते हैं, अकर इन द बैरन एरिया वेयर देयर इज नो प्रीवियसली एनी टाइप्स ऑफ लिविंग मैटर, कोई भी टाइप्स का वहाँ लिविंग मैटर पहले नहीं था, उस एरिया में सक्सेशन हो रहा है, तो उसे हम प्राइमरी सक्सेशन कहते हैं। तो अब इसके जो प्राइमरी सक्सेशन का जो टाइम पीरियड होता है काफ़ी लंबा होता है, इसे होने में 1000 वर्ष तक लग जाता है, कम से लगभग में 1000 वर्ष तक लग जाता है। तो ये प्राइमरी सक्सेशन हो गया। अब दूसरा है सेकेंडरी सक्सेशन। तो सेकेंडरी सक्सेशन में क्या होता है, जो सेकेंडरी सक्सेशन में होता है कि वहाँ पहले से आपका वेजिटेशन था, पहले से वहाँ पेड़ पौधे थे, मगर किसी नेचुरल डिस्ट्रॉय यानी क्या नेचुरल क्लाइमेटिक के कारण या कोई आर्टिफिशियल कॉज के कारण जो है वो जो है जो कम्युनिटी था वो डिस्ट्रॉय हो गया या वह ख़त्म हो गया। तो उस चीज़ को जैसे कि फायर हो गया, फ्लूड्स हो गया, सडन चेंज इन क्लाइमेट, जैसे कि जंगल में आग लग गया या कोई बाढ़ आ गई या कोई सडन चेंज हो गया क्लाइमेट का, तो उसके कारण जो है वहाँ का एनवायरनमेंट है जो वो जाके वहाँ पे ग्रासित हो गया, वो क्या बोलते हैं एनवायरनमेंट वहाँ का ख़त्म हो गया, तो उसके बाद जो वहाँ पे फिर दूसरा जो फिर वहाँ पे वेजिटेशन हो रहा है, तो फिर दूसरा जो वेजिटेशन आ रहा है तो उसे हम सेकेंडरी वेजिटेशन कह रहे हैं। तो इसमें जो है आपका जो टाइम थोड़ा कम लगता है, प्राइमरी में 1000 साल लग जाता था, इसमें 50 से लेकर 100 साल तक लगते हैं ग्रासलैंड में, और जो फॉरेस्ट लैंड होने फॉरेस्ट में आपके 100 से 200 ईयर लगते हैं फॉरेस्ट के सक्सेशन में। तो हम फिगर से देख लेते हैं, देखते हैं प्राइमरी सक्सेशन क्या हुआ है। यहाँ जो है कि आपका यहाँ पे कभी यानी नो लाइफ ऑलरेडी एग्जिस्ट है, यहाँ पे कोई लाइफ यहाँ पहले नहीं है, कोई भी लाइफ यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं किया हुआ है, ये बेयर रॉक है, यानी कि बंजर रॉक है, बंजर पत्थर है, वहाँ पे कोई भी वहाँ पे यानी कि वहाँ पे लाइफ नहीं है।
तो वहाँ पे जो हो रहा है वो प्राइमरी सक्सेशन रहता है। देखिए बेयर रॉक में हो रहा है, उसके बाद जो इसमें टाइमिंग बहुत ज़्यादा लगता है, हजारों साल लग जाते हैं एक क्लाइमेक्स मतलब बनने में, क्लाइमेक्स कम्युनिटी के डेवलपमेंट में। तो उसके देखते हैं मॉसेस आया वहाँ पे, उसके बाद लाइकेन का ग्रो हुआ वहाँ पे, फिर सॉयल सॉयल का जो है वहाँ पे यानी कि जो सॉयल वहाँ पे यानी कि रॉक से सॉयल बने। तो उसके बाद जो सॉयल डेवलपमेंट हुआ, फिर जो ग्रासेस है वहाँ जो स्मॉल स्मॉल ग्रासेस हुए, फिर प्लांट्स का वहाँ ग्रोथ हुआ, फिर स्मॉल थिकन जो वहाँ पे स्मॉलर जो सब्स का ग्रो हुआ, उसके बाद जो है वहाँ पे ट्री का ग्रो हो रहा है। तो ये जो एक क्लाइमेक्स है जो सक्सेशन हो रहा है, जो ग्रैंडवली जो यहाँ पे आपका सक्सेशन हो रहा है, तो ये जो हो गया आपका ये सक्सेशन हो गया, इकोलॉजिकल सक्सेशन हो गया प्राइमरी कंडीशन में, प्राइमरी सक्सेशन की कंडीशन में। तब हम देखते हैं सेकेंडरी सक्सेशन क्या था। सेकेंडरी सक्सेशन जो था वहाँ की पहले से ही कम्युनिटी है, वहाँ से पहले से ही कम्युनिटी, वहाँ पे सब चीज़ पहले से ही हो रहा है, मगर यहाँ जो है आपका नेचुरल क्लाइमेट ही आ गया, फायर आ गया, जिसके कारण जो है सारा कम्युनिटी डिस्ट्रॉय हो गया। तो एक बैरन एरिया हो गया, तो यहाँ पे बैरन एरिया का फिर वहाँ पे दोबारा से फिर पेड़ वहाँ पे हो गए, फिर दोबारा से वहाँ कम्युनिटी डेवलपमेंट हुआ, फिर वहाँ से पायोनियर, फिर वहाँ पे फिर क्लाइमेक्स कम्युनिटी का फिर डेवलपमेंट हुआ। जो ये जो हो गया आपका सेकेंडरी कम्युनिटी हो गया, जिसमें इसका टाइम पीरियड क्या लगा कि जैसे आप किसी ग्रासलैंड का यानी कि वहाँ पे कम्युनिटी बनने का है तो 50 से 100 ईयर्स लगते हैं, 50 से 100 साल लगते हैं, और जब कोई फॉरेस्ट कम्युनिटी होता है तो वहाँ पे 100 से 200 ईयर लगते हैं। तो ये जो हो गया आपका सेकेंडरी हो गया। तो हम देखते हैं कि प्रोसेस क्या है, इकोलॉजिकल सक्सेशन का प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले है कि न्यूडेशन है। तो न्यूडेशन मतलब क्या हुआ है कि यहाँ पे जो इट इन्वॉल्व द डेवलपमेंट ऑफ बैरन एरिया विच मे डेवलप ड्यू टू सेवरल रीजन। वहाँ पे जो सबसे पहले जो बैरन एरिया वहाँ पे यानी डेवलपमेंट शुरू हो रहा है, कुछ यानी कि वहाँ पे कुछ यानी कि सेवरल रीजन वहाँ पे हो रहे हैं, जैसे लैंडस्लाइड हो रहा है या इरोशन हो रहा है, डिपोजिशन ऑफ सॉयल पार्टिकल्स हो रहा है, ओवर ग्रेजिंग हो रहा है, कैटास्ट्रोफिक एजेंसी, ये सब जो है वहाँ पे कारण होते हैं न्यूडेशन के, वो एक जो बैरन एरिया डेवलप करते हैं। तो सबसे पहला ये हो गया न्यूडेशन, उसका जो बैरन एरिया डेवलपमेंट हुआ। उसके बाद इन्वेशन हुआ, कोई भी चीज़ वहाँ पे जो स्पीसीज का इन्वेशन हो रहा है वहाँ पे, तो इन्वेशन जो होता है वो तीन स्टेप होता है इन्वेशन का। तो सक्सेसफुल एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द स्पीसीज इन बैरन एरिया, किसी भी बैरन एरिया में सक्सेसफुली यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट हो रहा है किसी भी स्पीसीज का बैरन एरिया में, तो इसको कॉल इन्वेशन। इन्वेशन में तीन टाइप्स जो है, माइग्रेशन मतलब कोई भी यानी कि रिएक्शन वहाँ पे रिएक्शन हो रहा है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जैसे कि वहाँ पे सीड का कोई माइग्रेशन हो गया, कोई स्पोर्स वहाँ पे आ गए, वो यानी किसी किसी वाटर के थ्रू या किसी एयर के थ्रू उस बैरन एरिया में कोई भी यानी स्पोर्स का वहाँ पे कोई सीड का वहाँ पे यानी कि वाटर और एयर की मदद से वहाँ पे वो पहुँच गए, वहाँ पे वो जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, तो वो आपका एक माइग्रेशन हो गया, डिस्पर्सल हो गया स्पोर्स का या सीड्स का, तो वो हो गया आपका माइग्रेशन। दूसरा क्या है, इकोसिस को इकोसिस भी कहते हैं, जो सक्सेसफुली स्टेबल एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द स्पीसीज ऑफ न्यू एनवायरनमेंट होता है। तो जैसे जो उसका जोवेनाइल पीरियड है प्लांट का, तो फॉर्म कर रहा है, जर्मिनेशन कर रहा है, स्पोर्स का जर्मिनेशन हो रहा है, सीड का जर्मिनेशन हो रहा है, तो वहाँ पे जो सम यानी कि उसका मॉडिफिकेशन हो रहा है प्लांट का जो सीड का है जो स्पोर्स का वो मॉडिफिकेशन हो रहा है, तो वहाँ पे अडेप्टेशन रिक्वायर हो रहा है, न्यू क्लाइमेट का वहाँ बना रहा है, न्यू क्लाइमेट का वहाँ एस्टैब्लिशमेंट हो रहा है, तो वहाँ पे इकोसिस हो जा रहा है, वो एस्टैब्लिशमेंट हो रहा है एक न्यू एनवायरनमेंट का स्पीसीज के लिए। तो अब तीसरा है एग्रीगेशन, जब वहाँ पे न्यू एनवायरनमेंट बन गया तो उसके बाद आफ्टर एक्सेसिस के बाद जो है वहाँ एस्टैब्लिशमेंट हो रहा है, आफ्टर एस्टैब्लिशमेंट के बाद वहाँ पे एग्रीगेशन हो रहा है, जो वहाँ पे रिप्रोडक्टिव मेंबर्स वहाँ पे हैं, जो स्पीसीज है उसका नंबर अब बढ़ेगा, उसका जो नंबर बढ़ रहा है तो उसे कॉलोनाइजिंग हो रहा है, तो इंडिविजुअल्स का कॉलोनाइजिंग हो रहा है। तो ये जो हो गया आपके इन्वेशन के जो है वो हो गए स्टेप्स। अब हम देखते हैं तीसरा क्या स्टेप्स है। तीसरा स्टेप्स है कंपटीशन का। वहाँ पे कॉमन बात है कि वहाँ अब जब कॉलोनी हो गया, अब छोटा सा एरिया है, छोटे से एरिया में बहुत सारे जो स्पीसीज हो गए, तो उसमें एक लिमिटेड स्पेस हो गया, तो वहाँ पे अब डेवलपमेंट करने के लिए उसे न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है, उसे हैबिटेट की ज़रूरत है, तो वहाँ पे कंपटीशन आएगा ही, वहाँ कंपटीशन आ रहा है, वहाँ कंपटीशन हो रहा है, को एक्शन हो रहा है, तो इस इफेक्ट को कह रहे हैं को एक्शन। फिर चौथा जो उसका स्टेप्स है, चौथा स्टेप्स है रिएक्शन का। तो रिएक्शन में क्या हो रहा है, एक स्पीसीज हैव सर्वाइव्स विल रिएक्ट विद इन्वायरमेंट एंड मॉडिफाई द इन्वायरमेंट। जो है स्पीसीज वहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं, तो वो जो इन्वायरमेंट है उससे रिएक्ट कर रहे हैं, उसके जैसा इन्वायरमेंट उस हिसाब से वो मॉडिफाई कर रहे हैं, उस हिसाब से रेजिस्टेंस कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए जेरिक्स कंडीशन में हो, या जहाँ पे रेगिस्तान में हो, या डेजर्ट कंडीशन में हो, तो उसके हिसाब से वहाँ डेजर्ट वाले पेड़ हो गएंगे, या मेजिक कंडीशन में हो, या कोई फेवरेबल कंडीशन में हो, तो वहाँ पे अच्छे से पेड़ उगेंगे, या कोई पानी वाले जगह पे हो, या कोई हाइड्रोस
शहरी में हो, तो वहाँ पे जो है वहाँ पे जैसे जो जलवायु जैसा होगा उसके उसके हिसाब से वो अपना रिएक्शन करेंगे, उसके हिसाब से वहाँ पेड़ का वहाँ पर डेवलपमेंट होगा। तो ये जो हो गया आपका रिएक्शन हो गया। तो पाँचवा जो है इस्टेब्लिशमेंट, जब जब रिएक्शन हो गया तो उसके बाद जो है इस्टेब्लिशमेंट होगा, यानी वो क्लाइमेक्स होंगे, वो स्टेबल होंगे। तो फाइनली दे आकर से स्टेज इन द प्रोसेस वेयर द फाइनल टर्मिनल कम्युनिटी बिकम्स स्टेबलाइज फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, मेंटेन इटसेल्फ विद द क्लाइमेट ऑफ एरिया, द कम्युनिटी इज कॉल्ड क्लाइमेक्स कम्युनिटी। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, द स्टेज जो है वो आपका जो प्रोसेस में जो फाइनल टर्मिनल कम्युनिटी बना रहा है, जो स्टेबलाइज बना रहा है, वो लॉन्गर पीरियड के लिए इस्टेब्लिश हो रहा है टाइम के साथ, जो अपने आप को मेंटेन कर पा रहा है उस क्लाइमेट के जो उस एरिया में जो क्लाइमेट है उसके हिसाब से अपने आप को मेंटेन कर पा रहा है, स्टेबल कर पा रहा है, तो वो जो है इस्टेब्लिशमेंट हो रहा है, उसका स्टेबलाइजमेंट हो रहा है, तो वो क्लाइमेक्स कम्युनिटी हो गया। तो ये जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी कॉम्प्लेक्स होता है, स्टेबल होता है, और नो मोर स्पीसीज कैन रिप्लेस देम, तो कोई भी यानी कि दूसरा स्पीसीज आता है उसको रिप्लेस नहीं कर सकता है, वो जो है उसके साथ रिएक्शन करके उसको कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता, उसको हटा नहीं सकता उस जगह से, तो वो जो स्टेबल कम्युनिकेशन है तो वो क्लाइमेक्स कम्युनिटी होता है। जैसे देखिए इस फिगर में आपको समझ में आएगा, देखिए इसका जो तीन कंडीशन होता है, जैसे कि ये वाटर वाला कंडीशन हो गया, ये जो आपका ड्राई कंडीशन हो गया, ये मैजिक कंडीशन हो गया जो बीच का फेवरेबल कंडीशन है। तो ये जो वाटर कंडीशन में लेस ड्राई, फिर वेरी ड्राई, फिर उसका लाइकन और फिर एल्गी का वहाँ ग्रोथ हुआ, फिर मॉसेस का, फिर ग्रासेस और हर्ब्स का या सब्स का, फिर हार्डी ट्री जो एक क्लाइमेक्स हो रहा है, फिर वो क्लाइमेक्स का फॉर्मेशन कर रहा है। इसी तरह यहाँ पे लीस्ट मोइस हो गया, फिर यहाँ पे स्टैंडिंग वाटर हो गया, स्टैंडिंग वाटर में यहाँ पे प्लांकटन का फिर वहाँ पे फॉर्मेशन हुआ, फिर सबमर्ज्ड का वहाँ जो प्लांट है उसका फॉर्मेशन हुआ, जो फ्लोटिंग प्लांट है उसका फिर फॉर्मेशन हुआ, फिर रेड स्वैम्प का हो गया, फिर मर्सी मैडो का हो गया, फिर दलदली इलाका हो गया, फिर वुड लैंड हो गया, फिर वहाँ पे लैंड जो वुडलैंड का हो गया, फिर मैजिक वहाँ पे जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी का डेवलपमेंट हो गया टाइम के साथ। तो ये हो गया हाइड्रोसेरी और ये दो जीरोसेरी। तो ये जो हो गया आपका कम्युनिटी हो गया जो पूरा यानी कि सक्सेशन का हो गया, जेरिक और एक्वाटिक कंडीशन और मैजिक वेजिटेशन। तो अब हम देखिए इस फिगर से आपको समझ में आएगा कि जैसे देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या, ये बेयर रॉक है, फिर वाटर टेबल, यहाँ पे स्वेल, यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। तो सबसे पहले बेयर रॉक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ब्लू ग्रीन एल्गी जो है उसका फॉर्मेशन हो रहा है। तो उसके बाद फिर लाइकेन और लिवोवर्ड्स का हो रहा है, फिर मॉसेस का फॉर्मेशन हो रहा है, फिर यहाँ पे यानी स्वेल का वहाँ पे आ रहा है कंडीशन, फिर सब जो प्लांट है वो सब जो है, फिर सब्स का हो रहा है, फिर लार्ज सब्स का हो रहा है, फिर ट्री का हो रहा है, फिर लार्ज ट्री का हो रहा है, फिर पाइंस का, ये ऑक जो है वो सब जो स्टेबल कंडीशन में आ गया। अभी क्लाइमेक्स स्टेबल हो गया, ये अपने क्लाइमेक्स के आधार पे ये अपने आप को स्टेबल कर लिया, वो वहाँ से वो हट नहीं सकता, वो पूरा क्लाइमेक्स स्टेबली हो गया, वो अपने आप को स्टेबल कर लिया, कोई भी उसको जो कंपटीशन करके वहाँ से वो हटा नहीं सकता है। लेकिन एक तरह से स्टेबल हो गया कम्युनिटी, स्टेबलाइज कर लिया वो अपने आप को टाइम पीरियड के आधार पर, टाइम के आधार पर वहाँ पर अपने को स्टेबल कर लिया, वो अब वहाँ से नहीं हट सकता है, स्टेबल हो गया, तो वहाँ पे कोई भी दूसरा स्पीसीज उसको आके रिप्लेस नहीं कर सकता है। तो ये हो गया सक्सेशन, इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा ये इकोलॉजिकल सक्सेशन का सेक्शन हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, गॉड ब्लेस यू। माई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, थैंक यू।